जो सुना है मैंने पुत्रमूर्ति कैसेट में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आ जाइए कि किसी गांव की एक लड़की अदेखन में सुंदर चेहरा था। शादी से पहले एक लड़का से उसका हित कुछ गहरा था। एक बदचलन औरत के बारे में जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, किसी गांव का जिक्र है, अब ये किस गांव का जिक्र है ये तो नहीं बता पाएंगे। किसी गांव में एक लड़की, शादी उसकी नहीं हुई थी, लेकिन शादी होने से पहले एक लड़का से बड़ा हित हो गया, हित प्रेम। था चेहरा खिला चंद्रमा सा, आदत की गंदी थी नारी, उसके नेचर को देख देख नारी भी देती थी गारी। उस ही नारे बेवफा के कुछ सुना विचार हमारे हैं, नारी के आगे सूर वीर परमेश्वर तक तो हारे हैं। दोस्तों, जिस समय एक लड़की का हित हो गया लड़का से, और वो लड़का को अपने दिलो जान से इतना चाहती थी, एक मिनट भी आंखों से ओझल होना नहीं चाहती थी, शादी नहीं हुई थी उस लड़की की, शादी से पहले ही एक लड़का से हित हो गया, और एक दिन लड़का का हाथ पकड़ करके वो लड़की कहने लगी कि तुम जब चले जाते हो ना तो ये घर मुझे खाने के लिए दौड़ता है, इसलिए तुम एक काम करो। अरे तुम बिन नाइनी को लगे, अरे मेरे रसिया मोई घर अंगना न सुहाई जी। और छोड़ के मोको गाँव में, अरे हितकारी तुम मत जइयो बाजार जी। लड़के का हाथ पकड़ करके एक दिन वो प्रेमिका अपने प्रेमी से कहने लगी कि तुम हमें छोड़ करके कभी बाहर मन चले जाना, तुम्हारे बगैर मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही नहीं, सूरत मेरे ने नाना बसी, अरे मेरे प्यारे मैं चेनो ना तुम बिनी आई दी। लड़का से इशारा किया उस लड़की ने कि तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं आता, आप ऐसा किया करो हमारे पास रहो, रात दिन सुबह शाम में जहां रहूं वहां मेरे पास रहो। लेकिन लड़का से एक बात और कही, आज तो तुम हमें मानते हो, अब तुम भी तंदुरुस्त हो, बड़े हो, सियाने हो गए हो, लेकिन तुम्हारी शादी होगी, और शादी होने के बाद में कहा
कि जब तुम्हारी शादी होगी, अरे शादी हुई कि आंगन में जब नारी तुम्हारी आई है। लड़की बोली, आज तो तुम हमें चाहते हो, आज तुम हमें मानते हो, शादी हुई के आंगन में जब नारी तुम्हारी आई है, फस नारी के फंदा में, हाय फस नारी के फंदा में के मेरी याद नहीं आई है। महाराज मिलेगी तुमको आजादी, बोलो पाजी तुम्हें छोड़े हम करिए ना शादी, करिया नागिन बन के बसी गई बिटिया तेरी नाजरिया, करिया नागिन बन के बसी गई मोड़ी दोस्तों। लड़की ने जवाब दिया, आज तो तुम हमें मानते हो, लेकिन जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम मेरे करीब नहीं आओगे, फिर तुम अपनी स्त्री के फंदा में फंस जाओगे। लड़का कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, स्त्री, अरे एक स्त्री चाहे 50 स्त्री आएगा, तुम्हारे अलावा हम किसी के साथ कभी कुछ दुर्व्यवहार का कौन, ऐसी कौन सी बात है, हम तो तुम्हें कितना चाहते हैं। अब लड़का और लड़की इन दोनों का हित चलता रहा, गांव के लोगों में चर्चा चली गई, गांव के लोग कहने लगे लड़की बड़ी बदचलन है। तो गांव के लोगों ने लड़की के पिता से कहा, पागल हो गए हो, तुम्हारी लड़की जवान है तंदुरुस्त है, शादी क्यों नहीं करते उसकी। गांव के लोगों ने लड़की के बाप से कहा, अरे गांव वाले ने बात बताई, काहे तेरी अकल बोलाई, के लोगों ने देखा कि लड़की का कदम डिग गया। ये लड़की शादी से पहले एक लड़का को अपना बना बैठी। गांव के लोग उसके बाप से कहने लगे, इसकी शादी क्यों नहीं कर देते। दोस्तों उसी समय गांव के लोगों की बात मान करके अब लड़की के बाप ने अपनी लड़की का विवाह एक गांव में तय कर दिया। और ये जब बिटिया ने जवाब सुनी कि अब ब्याहू रुक गो, सोई वह लड़का से और बोली कि अब नाए तो मां को मिले सके, अरे मेरे प्यारे मेरो बबुला बनो है दीवार जी, जवाब दिया लड़की ने, शादी हुई ससुर कहीं अरे हितकारी, मैं मरूं जहर विष खाई जी, संग में तुम रहो अरे मेरे प्यारे, मेरी किस्म
लड़की ने जवाब दिया कि अब मेरा विवाह तय हो गया और हमारे पिताजी मेरी शादी करने जा रहे हैं, अब हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे, हमारी किस्मत में तुम नहीं हो, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, अपनी औरत के साथ में रहना, लेकिन मैं अगर शादी हो गई तो जहर खा लूंगी, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। और वो लड़की बोली, अरे जो तुम हमको नहीं मिल पाए तो देह में आग लगाऊंगी, लगाऊंगी दैया तुम बिन नहीं जी पाऊंगी। बाहर बात चला नारा, कहने लगी जो तुम हमको मिल नहीं पाए तो देह में आग लगाऊंगी, लगाऊंगी अब देश तुम बिन नहीं जी पाऊंगी। अब्बा ने जाल डारो, लड़का के गले में बांह फांस करके बोली, नहीं चाहिए मोए माल खजानो, नहीं कछु जेबर मोए बनवानो, अरे केवल मैं हूँ प्रेम की भूखी, तुम बिन मैं तरसाऊंगी, तरसाऊंगी तो यो जहर खाए मर जाऊंगी। ऐसा ही नहीं, इसलिए तुम एक काम करो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, हम कल मरते हो अभी मर जाए लेकिन तुम्हें परवाह नहीं है, तुम हमारे पिताजी के पास चले जाओ, चले जाना। मैंने क्या कहा, लड़की बोली मेरे बबुला के पास में जाइयो, शादी रोको यो समझियो, होए के शादी जो गई ससुरे में तो जहर खाए मर जाऊंगी, फांसी में लगाऊंगी दैया जहर खाए। अरे तुम जो हमको नहीं मिल पाए तो तन में आग लगाऊंगी, लगाऊंगी दैया तुम बिन नहीं जी पाऊंगी। लड़की रोने लगी, जब शादी रुक गई तो जब रोन लगी तो जवाब दो कैसे करो, रोना तुमने जो सोच ली कि अगर हमारा ब्याह हो तो हम तुम्हें छोड़ दी, अरे नहीं ऐसी कौन सी बात है, घबराओ नहीं। तो लड़की ने कही तुम ऐसा करो, चुपचाप जाओ हमारे पिताजी से कहो कि तुम हमारी साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दो, अब जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। लड़का कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, हम और तुम एक ही गांव के रहने वाले, और अगर तुम्हारे बाप से हमने जकई कि तुम हमारे संग पे बेटिया को ब्याह कर दो तो मारो को तो दुखी ना रहे, तासे हम ऐसा नहीं कहेंगे। जवाब दिया घबराते क्यों, तुम कहो हमारे बाप से जो है सो देखी जाए। अब लड़का ने तुरंत जाकर के लड़की के बाप से यह कह दिया कि शादी करने के लिए कहां भटकत भरे हो, ऐसे करो हमारे संग कर दो। और जब इतनी बात सुनी तो बाप ने 50 अनुगारी दई और गाली देवे के बाद इंबू भैया मारे वे को तैयार हो। अब वे लौट के भाजे और लड़की को पूरी बात बताई, जवाब दिया कि तेरे बाप ने हमें गालियां दी हैं। तो लड़की बोली कि गारी सुन के और हमारे ढिंगालो चले आए, बड़े बुजदिल हो, ऐसो करो जाओ दोबारा बाप के ढिंगा। अमार की गोली बाप के, अरे मेरे प्यारे
लड़की बोली गारी सुन के हमारे बाप से तुम यहीं तक चले आए, शर्म नहीं आई? हमारे बाप में गोली दे जाए कि हम तुमसे कछु ना कहें और तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब दोस्तों वो बाप खेत पर लेटा हुआ था, दुराचारी ने जरा भी दया नहीं की, अकेले में रात में जाकर के लड़की के बाप में गोली मारी और गोली मारने के बाद लड़की को साथ लिया भाग गया। और जब लड़की को लेके भाग गया तो घर घर में कोहरा है, अरे मेरे दादा वो गई है बादर फारी दी, अब गांव में घर घर में कोहरा मच गया कि वो अभागी औरत अभागी लड़की अपने बाप को गोली मरवा के भाग गई। औरतें गाली दे रही हैं, ऐसी जवानी सवार थी अरे मेरे दादा, कोई लाओ बाप को खाई दी, तो घर घर में कोहराम मच गया, घर घर में कोहराम मच गया। औरतें आदमी गालियां देने लगे कि वो अभागी लड़की अरे राम राम अपन सगे बाप को मरवाए के भाज गई, अब वो लड़की तो भाग गई, ये सब गांव के लोग भागे। तो भजे नगर के जवान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और ले ले हाथ में लाठी रे के नारी घेर ले जाई। गांव के लोग सब भागे कि एक बुजुर्ग बाप को मरवाने के बाद वो लड़की भाग गई, गांव के लोगों ने उसे घेर लिया। और जब लड़की को घेरा सुनाते ध्यान सभा के भाई और ले ले लाठी हाथन में के नारी घेर ले जाई। जब लड़की घेरी लेकिन जो भजाए के ले गए हते अब उनमें कहा था माती जो ढाड़े रहा थे वो भाग गए और लड़की अकेली रह गई। तो गांव के लोग जितने भी थे उस सबने पकड़ लिया। उसके बाद बांधी पेड़ से नारी के भारी मारु के रहे लगाई और जल्दी से ससुरे में खबरी पठाई, जल्दी से ससुरे में खबरी पठाई, खबरी पठाई, खबरी पठाई। अब गांव के लोगों ने देर नहीं की, जहां शादी उनके बाप ने तय करी हती वहीं अरे रात ही रात बारात बुलाई, काऊ खबर ना लगन दई रात ही रात बारात बुलाई और जल्दी में करी है सगाई, रात ही रात में बारात बुलाए की सवेरो हो ना पाओ तो ब्याह कर दो, और सवेरो जब भा भोर हो तक भाई बिदाई, बन दुल्हन ससुरे में आई
दोस्तों अब रात ही रात में परिवार के लोगों ने इकट्ठे होकर के लड़की की विदा कर दी। जो पहले शादी बाप ने तय करी थी वही लड़की का विवाह कर दिया। और लड़की जब दुल्हन बनकर के घर पहुंची, ससुराल में पहुंची, और ससुराल में जब पहुंची है तो गांव की जूरी मिले नारियां, अरे मेरे दादा कोई बहु देखा न को आए जी। नई विदा हो के आई, गांव की औरतें सब भाजी, चलो बहू देखे आया। बहू का तो बवंडर हुआ, तो जो अपने बाप को मरवाए के भाजी गई, भाई को ब्याह बहु, उसके बाद में अरे मोह देखे बातें करें, अरे मेरी गुइया। गांव की औरतें जब बाप को मोह देखती और फिर आपस में कानन में बतलान लगती, बाको मोह देखे बातें करें, अरे मेरी बहना कोई बहू लला की सिरा मोरा जी। अब देखने में तो सुंदर हती लेकिन सुंदर विचार नहीं थे। अब ऐसा हुआ औरतें जब बहू देख रही हैं और बातें कर रही हैं, बहना कितनी सुंदर देख भी मत जाकर धरे कहां गोने हते, वे तो बदेश भी ऐसे तंगड़े पल्ले पड़े गए न कहां धरो। तू बोली बातें कर रही हैं, अरे कहां गोने ये ना को धरे, अरे मेरी बहना कहां गोने ना को धरे, अरे मेरी बहना बुतो मझिया है बलवान जी। आपस में बातचीत हो रही है और सब औरतें एक दूसरे से बातचीत करती चली जा रही हैं। अब वो लड़की जो थी बेदा होए के जिन्ह के संग गई, तिन से तो वह बोली उन्हें, अब वे बेचारे पिछेरा लगन सी माने फरे जिन्ह को ब्याह होए के आओ सो अब्बा मुड़ के उन्हें देखे। ऐसा ही नहीं, वो लड़की के पहुंच गई ससुराल जभी, वो लड़की और घूंघट मारे घूमे घर में, अरे पहुंच गई ससुराल जभी घूंघट मारे घूमे घर में, लेकिन अब पति से दूर दूर भागे प्रेमी की चोट लगी उर में, पति अब पति को देखे, क्योंकि पति से बढ़ के दर्जा कुछ प्रेमी को होता है ना। अब वे मरी जा रही, सोच रही है हमने अपन बाप तो मरवाए डारो लेकिन फिर हमारो पति ना हमें मिल पाओ। उसी समय पति जो थे पास बिठा के नारी को पति देव बहुत समझाते हैं, नारी को मगन रखने को कहीं जेबरात ले आते हैं। दोस्तों अब
नारी अपने पति से तो दूर दूर भागती रही, सोचने लगी कि हमारे प्रेमी हमें न जाने कब मिल सकेंगे, न जाने कब मिल पाएंगे। और ये जो बे लड़का जो था, जिस लड़की के बाप को मार के भाग गया था, वो लड़का ने जब जवाब सुनी कि उसकी तो शादी हो गई, अब बने ठाड़े बैठे चैन ना है, सोचने लगे अब क्या होगा। तो वे महात्मा बन के और बाहरे प्रेम महात्मा बन के और गांव में घूमन लगे कि वो प्रेमी मजनू बनो यारे मेरे दादा, प्रेमी मजनू की तरह से बोई प्रेमी मजनू बनो यारे मेरे भैया बने गाओ आई जी, अरबी कमांगी आगे बढ़ो यारे मेरे दादा, गाओ उसी द्वार पे बहरे प्रेमी। अब महात्मा बनकर के भीख मांगने लगा और जब भीख मांगते मांगते उसी लड़की के द्वार पर जा पहुंचा, लड़की से आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया कि तू बा जगह पे और इतने टाइम पे। हाँ, जब कह के वो लड़का चला गया और ये जब लड़का कह के चलोगो, अब लड़की ने अपने पति से सलाह मिलाई और जवाब दो देखो तुम यहीं बैठे रहते हो घर में, आज ऐसो करो का। तो वह लड़की फुसलाए के बोली अबे लको ना बोली थी, हाँ बात ना बोली बैठी और जवाब दो आज तुम हमारे संग चलो, आज रात को शहर में हम फिल्म देख के आइए। बोली आज रात में शहर में हम फिल्म देख बे चली, तुम चलो हमारे संग रे के लौट रात में आइए। अपने पति को फुसलाए के बोली चलो आज हमर तुम फिल्म देखेंगे। महाराज के मन में सोच रहो भरतार, आज तो मन से बोली है के प्राण न प्यारी नार, सोई पेंट पेंट के आग हाल फौरन चल दी ने, सोई पेंट पेंट के संग नार के फौरन चल दी। उसी समय अपने पति को बातों में फुसला करके और प्रेमी से मिलवे को भागी, और जब प्रेमी से मिलवे को चली है फिल्म को बहानो करके, और अवदेश अरे गोला चेहरा चंद्रमा सो जुलफे नागिन सिर लहरा, ऐसा ही नहीं और पैर में पायल कमर कंधनी लई, हाय पैर में पायल कमर कंदनी लई गले जंजीर कदारी, और नाकल थुनिया कान में कुंडल खड़ुआ हाथ में राय बिखलारी, मांग सिंदूर माथे बेंदी जल होटन लाली लई लगाई, और आखिर सुरमा है नारी के चितवन फार रही दीवारी, नारी चल गई फिल्म देख वे संगम भोंदू है भरतारी, बड़ा बाहर नारी का जाल सब सिंगार करने के बाद में और जितने भी जेवरात घर में थे सब पहनने के बाद में अपने पति को साथ लेकर के वहां पहुंची जहां प्रेमी से वायदा कर दिया था कि हम उस स्थान पर तुम्हें मिलेंगे। लेकिन बदचलन औरत ने जाते ही जाते जैसे ही अपने प्रेमी को देखा
कंठ गदगद हो गया और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि तुम ऐसा करो हमारे इस पति को मार दीजिए। बाप को अगर हम मरवा सकते हैं तो जू कौन खेत की पूरी है। माने उसके प्रेमी ने, अरे नहीं दिल में दया बिचारी ले कट्ठा गोली धर मारी, मरवाई पति को भज गई नारी, मिल गए मन को मोए हितकारी, बाहरे बद चलन औरत, पहले बाप को मरवा दिया उसी प्रेमी से, शादी हो गई तब उसके बाद अपने पति को भी मरवा दिया और उसके बाद चली गई। भजी महरिया नहीं कौडत है चाहे कितने उपाय लगा, पति को भी जान से मरवा करके चली गई। पहले तो बाप को मरवा दिया, अब पति को मरवाने के बाद में जब चली गई दोस्तों, अब वो दोनों जो थे वो भाग करके एक दूसरे शहर में चले गए। अब वे बड़ी खुश हैं, कहना है अरे अब एक रोटी की भूख है तो चार खाते ही है, कुछ पूछो ही मत। अब कहा है अब बिल्ले एक कमरा किराए पर लेके और रहने लगे, और जब कमरा किराए पर लेके रहने लगे प्रेमी के संग में, अब तो घर से दौलती इतनी ले गई थी, माल जेब और सब पहन के गई हती, घर से पैसा ले गई हती, अब खर्चा, अरे खर्चा का है अब देश, अरे सब खर्चा है वीआईपी। अब भजन मानना को ऐसा ही हो तो है, जोले राहत तो है तोले सब वीआईपी काम, और कुछ दिन बाद फिर भीख मांगे नंबर आ। मेरा मतलब है कि बदचलन औरत कहां से कहां पहुंचा सकती है, ये हम कैसेट में आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जो घर से माल जेवर लेके गई हती काय की चिंता, अरे सब खर्चा है वीआईपी। अब पति सोच रहा है प्रेमी, मिल गई मोए नारी वीआईपी, ऐसा ही नहीं है बिस्तर कमरा वीआईपी, मिलने वाले आए वीआईपी। दोस्तों अब तो मिलन वाले बेऊ सब वीआईपी आए रे, खर्चा है बेऊ सब वीआईपी है, कमरा आ रहा वीआईपी क्या। अब तो जो है धीरे 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 अब जो दौलत घर से बांध के ले गए हते अनिल, बा में तो कसरा होना है, सब खाए लो, खर्चा सब वीआईपी, पति वीआईपी, उनकी पत्नी वीआईपी, अब तो कुछ पूछो ही ना। फिर बाके बाद में पोजिशन यहां तक बनी कि उस लड़की का, अरे जेबर तक सब बिकी गयो, अरे मेरे भैया कोई महीना बीते हैं चार जी, महीना दो महीने ही चले पाओ वीआईपी। बाके बाद अब मन में दुखी नारी भैया रे पा।
परमेश्वर अब का ईट खोद के खाए जी। माल जेवर जो ले गई थी सब बिक गओ, अब सोच रही है अकेली बैठी भाई, अरे मन में दुखी नारी भाई, अरे परमेश्वर अब का ईट खोद के खाए जी। पते अपनो मरा भाई के, अरे परमेश्वर मोको लाते थे सिंघार दी, औरत मन ही मन में सोचने लगी अब क्या होगा, भजके जो गई और माल जेबर घर से ले गई, वो दो चार महीना उन्होंने चलो वीआईपी में, अब वो तो सब वीआईपी में ही चलोगे। बाके बाद में अब हृदय में सोच रही है क्या करें, मैंने बड़ा बुरा किया जो अपने पति को भी मरवा दिया, हमारे पति हमारे पिछला पिछला घूमत रहता थे और सब माल जेबर लाए के हमें देता थे, लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। मन सोच रही वो नारी है जासे हो नहीं गुजारा हमारी है भैया, मन सोच रही वो नारी है जासे हो नहीं गुजारा हमारी है, अब बन के घूमे भिकारी है जीवन लो नरक में डारी है। अब तो औरत के हृदय में बड़े विचार हैं, सोच रही है बड़ो बुरो भो, बड़ो बुरो भो, जो मैंने अपने पति को मरवा दिया, अपने बाप को मरवा दिया, और जाको मन ने सहारो तक हतो जो मरी गो, अब जाके ढगाते तो ना जो हम खाए के गुजर करे, अब वो सोच रही है। बा के बाद में चलन औरत ने क्या देखा, जोन से कमरा में रहते थी मकान मालिक के लड़का को माने देखो, और भैया जो एक रत्ता पे चलो वो तुम दस रत्ता पे चल ले, तो हमें कोई बुराई की ना है। हुआ ऐसा मालिक था जो मकान का बन देखो नजर पसारी, धन दौलत और सूरत लखी तो रह गई आंखें, अब अपे बाऊ को भूली गई, जापे पो आदमी मरवाए डारो बाऊ भूली गई, और मकान मालिक को देख के मन में एक बात सोची, जाके संग में वहित में अरे परमेश्वर मेरो जीवन भोवे कार जी। सोच रही है बड़ा बुरा किया मैंने, अपने पिता को मरवा दिया, पति को मरवा दिया, अब हमें भोजन तक नहीं मिल रहा है, अब वीआईपी खर्चा कहां से लेके आऊं, ऐसा ही नहीं अपनो सब कुछ छोड़ के अरे परमेश्वर भैया कोई बैठी है कुरबान जी। मन में सोच रही है कि अब तो जरे के साथ चला आता है,
और जब रिक्शा चलाए के लेके आते जब भला हमें कहाँ खर्चा मार दे सकता है। चतुरी बाय चलेगा रिक्शा। लेकिन दोस्तों याद रखना, जगत में मतलब को व्यवहार, नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो बाको लायक न देव तो फिर मुखड़ा लेते बिगाड़। जगत में मतलब को व्यवहार कोई किसी का नहीं होता। अब और सोचने लगी कि हमने अपना बाप मरवा दिया, सगा पति मरवा दिया, और भैया जी पला डाल रहे है, अब नहीं रहूंगी इसके, अब नहीं रहूंगी। तो मकान के मालिक को देख के एक दिन संकेत करके लीनो लला बुलाई, मकान मालिक के पुत्र को अब तो जो सोच रही है जा पे कैसे जादू हमारा चल जातो देश, जा पे कैसे अगर बात बन जाती तो मालिक ही मालिक होते सब कर। मन में सोचने लगी कि ये मकान का मालिक जो है इससे किसी तरीका से अगर हमारा हित हो जाता तो जिंदगी नरक से स्वर्ग में बदल जाती। ऐसा ही नहीं, एक दिन उस लड़की ने वो अपना जादू डाल ही दिया, और दोस्तों उन दोनों में अब धीरे धीरे प्रेम बढ़ गयो, अमर रही मगन दिल नारी रे। जाए चाहते हती ताए, धीरे 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 समय कछो। और जब भगवान की ऐसी लीला है कि औरत के जाल से और औरत के स्वरूप से तो शायद कोई ही नहीं बचा। अब धीरे धीरे प्रेम बढ़ गयो, रही मगन दिल नारी रे। रानी बन के रहूं उम्र भर, मिट गई चिंता सारी रे। लड़का को ला बुलाए का कमरा में और लाई परस के थारी रे। तब बालक ने कही का समझो बन गई मेरी धारी रे। अब तो उसने मकान मालिक पर भी कब्जा कर लिया। कमरा, अरे कमरा काहे को छोड़े में, अब मकान मालिक पर कब्जा करो। और जब कही के मैं तुम्हारी स्त्री बन के रहना चाहती हूं, और जो रिक्शा जो चलाते ना, जो रिक्शा ना चला तू जो मरे चाहे नदी में गिरे हमें जा से मतलब ना है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं। तो मकान मालिक ने एक बात कही कि हम तुम्हारे साथ शादी तो कर लेंगे, लेकिन एक काम करो। अरे ता दिन तुम नारी बनो अरे मेरी प्यारी, तुम देव प्रेमी को मार दी। जवाब दो, हमें ऐसे विश्वास ना है ये तुम्हारे ऊपर। अगर हमने मान लो तुम्हें मान लो अपनायु लो, अब रिक्शा चला तो सो कुछ हमें छोड़ थोड़ो ना दिए।
अगर तुम उसे मार दो तो हम तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार। अरे मौज करो मेरे संग में, अरे मेरी प्यारी जो प्रेमी है दीवार जी। इतनी बात सुन के वो बेवफा औरत बोली, अरे आज रात में मारी के अरे मेरे रसिया। जाने कौन सी बड़ी बात है, मन में सोचने लगी जब हम अपो बाप मरवा सकता है सुख उठाने के लिए, और जब अपो आदमी मरवा सकता है तो जो कौन से खेत की मूली है। मकान मालिक से बोली, आज रात में मार के अरे मेरे प्यारे तेरी रास्ता करेंगे साफ जी। दोस्तों कहने लगी इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम उसे मार करके तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, घबराओ नहीं। भाई मारे में कौन सी बड़ी बात है। और ये जब संजा हो, अब उनने तो उनसे जगह दी कि हम संजा को मार डरें, आज चेकचू करें। और जैसी शाम होने को आई और बे रिक्शा चलाए के घरे आए, बाके बाद अरे भाई शाम घरे गए आई। अब बेवफा औरत ने अरे तब खटिया दई है बिछाई। दोस्तों अब तो प्रेमी को बड़े आनंद के साथ लेटा लिया, और लेटावे के बाद इन पे थैलियां और लेके आए थे। वैसे तो न जाने कौन कौन सी चिंतित अंग्रेजी भाई है, वो ऊपर भाव जाने हमें तो मालूम ना। जब खर्चा भी आई पी आती तब फिर वे थैली ना पे आई गए जब रिक्शा चलाने लगे तब। अब वे जो थैलियां लेके आए पीबे के बाद में, और उनने बड़े आनंद से सुबाए दे, धीरे धीरे बिजनौ चलाती जाती और कहती जाती जब हमने अपने आदमी को उम्र तुम्हारे पे झेला तो हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद जब वे सोए गए रात जब भाई
तो बांध के रस्सी से छाती पे बैठ गई वो नारी। अनिल कुमार क्या था बेवफा औरत का जाल, जिस प्रेमी के पीछे अपने पति को मरवा दिया, जिस प्रेमी के पीछे अपने सगे बाप को मरवा दिया, आज उसी प्रेमी के छाती पर बन बैठी। रात जब हुई गई रस्सी में कस ले जो रिक्शा चला के आए सो, अरे बांध के रस्सी से छाती पर बन बैठी वो नारी। और छक्का छूटे आज बाके, छक्का छूट गए हैं बाके, देखी हाथ कटारी। जो हाथ में कटारी देखी तो उनके छक्का छूट गए और जवाब दिया, तुम तो मेरे एक गले का हार थी और ये कटार के हाथ में है। महाराज के प्रेमी बोलो बचन उचारे, कहां कर रही हो मेरी प्यारी, मेरी तुम नारी। सोई दांती पीस के बोली, लफंगा को तू मेरो है। सोई दांती पीस के बोली, अब आगे तू को मेरो है। जवाब दिया कि जब तेरे पीछे मैं अपने पति को मरवा सकती हूं तो तू हमारे लिए कौन है। दोस्तों लड़का ने विनती की और जवाब दिया, तू हमें छोड़ दे, जब तक हम जिंदा रहेंगे कभी लौट करके नहीं आएंगे, अगर तू हमारे अलावा किसी दूसरे को चाहे तो उसके साथ विवाह कर ले, उसके साथ रहे, लेकिन तू मुझे छोड़ दे, मैं कभी नहीं आऊंगा, इतनी दूर चला जाऊंगा, लौट करके ये रास्ता भी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन उस बेवफा औरत ने, अरे रहमान कीनो नारे ने, अरे मेरे दादा बाली मारी कंठ का तार जी। उस प्रेमी को भी खा गए, अब तड़फी प्रेमी परो, अरे मेरे भैया नारी डारे हैं बादरा फार जी। अरे जाके पीछे सब छता जो, अरे मेरे भैया कोई वही गाय को खाई जी। जाके पीछे सब तक रो, अरे मेरे दादा कोई गई बाई को दैया। बहरे नारी का जाल, जिस लड़का के पीछे अपने पति को मरवा दिया, प्रेमी को मरवा दिया, उसके बाद में उस प्रेमी को भी अपने हाथ से मार दिया, और रात में मारने के बाद सोए ना पाई लला, पूरी रात ये सुए उठाए के धत्ते रही, और रात में ही गांव से बाहर एक कुआ था उसमें लैस डाल के चली आई। और उसके बाद जो मकान मालिक से हित हो गया था, बासे कही के अब तो हम भाई मारे आए, अब काय को मुरकाए बैठे हो, अब तो हम तुम्हारे हो चुके, जानो कौन सी बड़ी बात है, अब तुम मेरे साथ रहो। और हमने वो रास्ता साफ कर दी जिसका तुम्हें डर था, जिसका तुम्हें भय था। अब छक्का छूटे बेटा के और सुन के नारी की बानी को,
पानी को प्रेमी की सुन के कहानी को आँखें न भर लाओ पानी को छक्का छूट गए उस मकान मालिक के आंखों में खून के कतरे उतर आए और सोचने लगा जिस औरत ने उस प्रेमी को ही मार दिया तो अब हमें कब छोड़ देगी ये हमें कब छोड़ेगी और बेहद कष्ट उठाए बा प्रेमी के पाने को बा प्रेमी के पीछे कर डारी पति के मरवाने को मारी रे और मांगी भीख घर घर में बन बन के अरे भिखारी रे प्रेमी कहने लगा जिसने भीख मांगी और उसे ही तू आज खा गई आज जब तूने प्रेमी को मार दिया तो हमें कब छोड़ देगी तू हमें कब छोड़ देगी एक दिन मुझे भी खा जाएगी और उसी समय दोस्तों उसने तुरंत ही फोन मिला दिया पुलिस से अरे बाने लीनी पुलिस बुलाई और दीनी नारी बंधवाई उस औरत को पुलिस के हाथ में दे दिया काला मुंह करके गधा पर बैठारी गई पूरे नगर में घुमाई गई और कह रही है कि मैंने अपने प्रेमी को मार डाला इसलिए मेरी कुगत है दोस्तों उसे खंबा से बंधवा करके गोलियों से मरवा दिया गया आज ये बेवफा औरत की कहानी त्रिमूर्ति कैसेट में हम आप तक पहुंचा रहे हैं देखिए जिसने अपने को छोड़ करके दूसरे को पकड़ा इसलिए एक विनती है मत अपना पद चलन नारिये मानो सीख हमारी अरे हो बेगी पद नामी बाद में लोग हंसता बदचलन औरत बाद में आफत आवेगी जो ब्याह पति की नाई भाई क्या तेरी होवे